हमारी कमेटी खुलकर संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। अल्लाह उसका रसूल का करम है कि जो पटाखे की दुकान थी वो पटाखों को 24 दुकान को 24 घंटे के अंदर हमने बंद किया, और आगे भी कहीं ऐसा मामला आएगा तो उस पर भी हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। ये जो फैक्ट्री है जो बम बना रही है, जो कुरान शरीफ की आयत की इस्तेमाल कर रही है, ये हो सकता है इनको दंगे कराने का इनका प्लानिंग भी हो सकता है। कल को ये बाइबल की डालेगी, गीता की डालेगी और रामायण किताब की डालेगी, किसी भी धर्म की किताब का ये इस्तेमाल करके और हमारे भारत देश में ये लोग तरह तरह के दंगे फैलाने का प्लान पूरी तरीके से कर रहे हैं। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के काफ़ी बड़े स्लम एरिया धारावी में। बीती एक खबर में हमने आपको पूरे विस्तार से बताया था कि धारावी में जो गणेश विसर्जन का आखिरी पड़ाव था और इसी दरमियान धारावी पुलिस स्टेशन की गणपति विसर्जन थी, और इसी विसर्जन में फूटने वाले जो पटाखे थे उसमें कुरान शरीफ की आयतें थी, और इसी आयतों के बाद तमाम मुस्लिम संगठन के लोग जो है एक जगह जमा होकर के इसके खिलाफ धारावी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 295 के तहत मामला दर्ज करते हुए इसमें एक को गिरफ्तार भी किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो आप वीडियो देख रहे थे वो साइन धारावी 90 फीट रोड का था। 90 फीट रोड साइन धारावी को 2 अक्टूबर को जो घटना घटी थी, साइन धारावी पुलिस स्टेशन की तरफ से जो गणपति विसर्जन के लिए निकाला गया था, उस गणपति विसर्जन में जो पटाखे फोड़े गए थे उस पटाखों में जो है कुरान शरीफ की आयत मुबारका के पेज लपट के वो पटाखे बनाए गए थे। ये मामला हमारे सामने चल ही रहा था कि उसके बाद 5 अक्टूबर को साइन धारावी में किसी का बर्थडे था हिंदू बच्चे का, तो उस बर्थडे में भी जो पटाखे फोड़े गए तो उस पटाखे में भी कुरान शरीफ की आयत मुबारका मौजूद थी। तो इसको देखते हुए जब हमने 8 तारीख को पेपर लिखा और 9 तारीख को जिला कलेक्टर, मुंबई पुलिस कमिश्नर, DCP, ACP और सीनियर इंस्पेक्टर साइन धारावी को हमने लिखा कि जिस दुकान से ये पटाखे बिक रहे, जिस दुकान वाले ने ये पटाखों को बेचा है, तत्काल 24 घंटे के अंदर अगर वो दुकान नहीं बंद करी जाएगी तो हमारी कमेटी खुद आके 10 से 15 हज़ार हमारी कमेटी के मेंबर आके उस दुकान को ताला मारेंगे, और अल्लाह उसके रसूल का करम है, सरकार का करम है, सरकार के सदके में जब इस लेटर को हमने लिखा, ये हमारा लिखा हुआ लेटर, डिस्पैच करा हुआ लेटर है, ये लेटर को हमने लिखा और जिला कलेक्टर, कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर, ACP, DCP, सीनियर इंस्पेक्टर को हमारा ये लेटर गया और इस चीज़ को हमने ट्वीट भी किया। जब ज़्यादा से ज़्यादा जब ये वीडियो और ट्वीट शेयर होने लगा तो अल्लाह उसके रसूल का करम हुआ कि शाम 7:30-8 बजे तक स्थानीय पुलिस ने, धारावी सीनियर इंस्पेक्टर ने उस दुकान को ताला मारने लगाया। और आज ही इस मसले में हमारी कमेटी से सीनियर इंस्पेक्टर की बात हुई, उन्होंने बताया कि इस दुकान को हमने ताला मारा है और इस दुकान को माल, ये पटाखे कहाँ से आ रहे वहां तक हम जांच कर रहे, जिस गोडाउन में, जिस कारखाने में ये पटाखे बन रहे उसको भी हम सील करेंगे। तो अल्लाह उसके रसूल का करम है कि जो कार्रवाई हमने शुरू की थी 24 घंटे के अंदर वो कार्रवाई मुकम्मल हुई, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। दूसरी अहम बात, पुलिस वालों का भी, खास करके जिला कलेक्टर साहब का, मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब का, माहिम DCP साहब का, कुर्ला ACP साहब का, साइन धारावी सीनियर इंस्पेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और खास करके मुसलमान लोगों से गुजारिश है कि इस बात का ध्यान रखें, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज आपको मालूम पड़ती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप वो चीज मुझे भेज सकते हैं। उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने से वादों विवाद फैलेगा, कोई आपका साथ नहीं देने वाला, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आपका साथ देने वाली, ना कोई मस्जिद कमेटी साथ देने वाली, ना कोई मोहल्ला कमेटी साथ देने वाली। आखिर में अल्लाह उसका रसूल के करम में हमको ही आना है, हमको ही मेहनत करना है। तो मेरी आपसे तब गुजारिश है, कोई भी मुसलमान कमेटी या कोई भी मुसलमान लोग आपके दरमियान में आते हैं कि फला जगह ये हुआ, फला जगह पे ये हुआ, तो उसको बोले कि पहला आप आगे जाओ, क्योंकि लोग मुसलमान के दरमियान में ऐसे घूम रहे हैं कि आपको आगे ढकलेंगे और पीछे से मुनाफिक पना करके पीछे से भाग जाएंगे, यही अक्सर हमारे साथ में होता है। तो मैं मुस्लिम नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूँ, कोई भी ऐसा मामला, चाहे लिंचिंग का हो, लव जिहाद का हो, हिजाब का हो, बुरके का हो, मदरसे का हो, मस्जिद का हो, अजान का हो, दरगाह का हो, कोई भी ऐसा मामला है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करें, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, मैं आपसे इस मसले पे बात करूंगा। और हमारी कमेटी खुलकर संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। अल्लाह उसका रसूल का करम है कि जो पटाखे की दुकान थी वो पटाखों को 24 दुकान को 24 घंटे के अंदर हमने बंद किया, और आगे भी कहीं ऐसा मामला आएगा तो उस पर भी हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। मगर बहुत सारी भीड़ को जमा करना, बहुत सारी पब्लिक को जमा करना, फिर बच्चों को रोडों पे उतारना, लाठी खाने के लिए, गोली खाने के लिए बच्चों को छोड़ना और पीछे से फिर वो कमेटी भाग जाना, ऐसी कमेटियों से बचे, किसी का भी बलि का बकरा ना बने, संविधान के दायरे में रहते हुए काम करे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह उसके रसूल के वास्ते
हमारी कमेटी का साथ दे। जो लोग हमें डोनेशन देना चाहते, ताउन देना चाहते, माली मदद करना चाहते, वो हमारी कमेटी का गूगल नंबर ये, इस पे आप डोनेशन दे सकते हैं। आप जितना डोनेशन देंगे हमको काम करने में उतनी आसानी होगी। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।